हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एक और बेवरेज की कैलिब्रेशन आपको सिखाने जा रहे हैं जिसके ऊपर इंडिकेटर लगा हुआ है E1005। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा था कि E1005 की भी हमें कैलिब्रेशन बताएं, लेकिन ये इंडिकेटर क्योंकि अब न्यू नहीं आ रहा तो इसलिए ये यहाँ पर एक लगा हुआ है, पुराना ही लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसकी कैलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। तो चले दोस्तों E1005 की कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ये एवरी ट्रॉनिक्स का इंडिकेटर है E1005, ये मेड इन इंग्लैंड है। हमने कैलिब्रेशन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ज़ीरो के बटन को दबा के रखना है। तो हमारे सामने पास शो होगा, यूनिट और फ्लैग की मदद से हमने पासवर्ड देना है 5001 F1 प्रिंट, दोबारा प्रिंट F1 यूनिट। जब स्पैन लिखा हुआ आएगा तो हमने गाड़ी को प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देना है। ये देखें दोस्तों, गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो गई है। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो जाएगी तो हमने प्रिंट के बटन को प्रेस करना है और यूनिट और फ्लैग की मदद से जो स्पैन वेट है, यानी जो गाड़ी का वज़न है, जो कि गाड़ी का वज़न दूसरे कांटे पे उसने चेक किया था, सेम वही वज़न हमने यहाँ पर लिखना है। इसका वज़न जो दूसरे वेब्रिज के ऊपर आया था वो 1 ton 988 kg आया था। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, पूछ लेते हैं ड्राइवर से कि कितना वेट है उसका। जी बिल्कुल, 1 ton 988 kg दूसरे वेब्रिज के ऊपर आया था। ये लिखने के बाद हमने F1 का बटन दबाना है, दोबारा F1 का बटन दबाएंगे, बीजी आएगा और ये कैलिब्रेशन हो जाएगी। अब F1 और 0 के बटन से हमने बाहर आ जाना। तो देखें दोस्तों, कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है और गाड़ी एक दफ़ा नीचे उतार के दोबारा ऊपर रख के चेक कर लें आप। ये देखें, गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर है और इसकी कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो गई है। उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।